यह हमारी बुनियाद है मेरे भाई। जो हालात हमारे बिगड़े उसकी बुनियाद यही है, जिस दिन मुसलमान इस किताब को ताबदान में डाल दिया, जिस दिन यह किताब पर धूल आपके घरों में बैठना शुरू हो गई और टीवी रोज पोछते रहे, जिस दिन यह किताब को हराम जगह पे सबसे पहले देने लगे, समझे मेरा मतलब, हराम जगह क्या है, जहेज देना पहली चीज क्या देते हैं वहां पे, जहेज देना हराम है हलाल है, जहेज लेना हलाल है हराम है, पहली चीज देते क्या, और उन्होंने भी कितनी खुशी से लेते, कुरान जहेज में आई। हम ये किताब का मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे नबी का मजाक उड़ा रहे हैं, नाउज बिल्लाह मिन सालिक। इस किताब को पकड़ने वाले बन जाओ, इस किताब को समझने वाले बन जाओ। अल्लाह की कसम है, हमारे दरमियान आज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा नहीं है मेरे भाई, लेकिन जिस अल्लाह ने नबी और सहाबा को इस किताब के जरिए से कामयाबी दी थी, वो अल्लाह हमेशा से हमेशा रहेंगे, तुमको और मुझे भी कामयाब कर देंगे, सिर्फ इस किताब के मानने वाले और इस पर अमल करने वाले बन जाओ। ये वादा है अल्लाह का, ये वादा है। आज हम इससे दूर हो गए, आज हम इस्लाम कैसे सीखते हैं, हमारे उसूल क्या हो गए, हम 50,000 किताबें खरीद के लाके इस्लाम सीखते, लेकिन जो किताब आपके घर में रखी हुई है, जिसकी बुनियाद पे सब किताबें लिखी गई, इस किताब को कभी आप खोलकर पढ़ना ही नहीं चाहते, इसको पढ़ने वाले बनिए। आप लोग अपने जहन में एक होमवर्क लेके जाइए, इंशाल्लाह जाते वक्त आज से डिसाइड करिए कि कल जब कभी मैं उठूंगा, या अगर मुझे इंग्लिश अच्छी पढ़ने आती है और समझ में आती है, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन से एक आयत पढ़ूंगा, उस आयत को अगर मैं नहीं समझ सका तो आज एक दिन में किसी मेरे आलिम के पास जाऊंगा और उस आयत को समझने की कोशिश करूंगा और उनसे कहूंगा, शेख आप जो भी समझा रहे हैं मुझे मेरे नबी की वो हदीस बताइए कहां पर है, वो सहाबी का वाकया बताइए कहां पर है, मैं इस आयत को समझना चाहता हूं। इस जरिए से आप किताब से भी करीब हुए, उलेमा से भी करीब हो गए इंशाल्लाह। और अल्लाह की कसम खा के मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, इमरान की कोई इल्म के मामले में औकात नहीं है, मैं उलेमा की जूती की धूल के बराबर समझता हूं अपने आप को, मेरी कोई औकात नहीं है। उलेमा को अल्लाह के नबी ने कहा है वो मेरी उम्मत के विरासत में है, मेरे वारिस उलेमा है बोले। अगर हम उलेमा से दूर हो गए ना, तो उसकी मिसाल कैसी है मालूम, जब छोटा बच्चा निकल के जंगली कुत्तों के बीच में चले गया तो कुत्ते क्या करते उसको, हां क्या करते, फाड़ देते। जब आप उलेमा से दूर होकर लोगों के बीच में जाएंगे, जो आपके सहाबा और खुलाफा को गाली देते ना, तो थोड़ी देर के बाद आप भी उनकी तरह भोगने वाले हो जाते। अपने उलेमा से दूर मत हो, उलेमा को चिपक के रहो इंशाल्लाह। एक होमवर्क, इतना टाइम कुछ भी करके निकालो मेरे भाई, अगर आप किसी वजह से वैसा नहीं कर सकते तो कुरान के आपको ऐप्स आते, तफसीर इब्ने कसीर का ऐप है, मोबाइल के ऊपर ऐप्स आते हैं, तफसीर प्रो, TAFSIR, तफसीर PRO प्रो, तफसीर प्रो बोलकर एक ऐप है, हर आयत के ऊपर इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर है, कम से कम उसे खोल के देखने वाले, एक आयत कह रहा हूं रोज, रोज की एक आयत सिर्फ। जब आप ये आयत पढ़ लेते, आप अपना जहन बना लो कि इस आयत को मैं कम से कम मेरे घर में जितने लोग रहते हैं उनको जमा करके एक बार बोल दूंगा। मान लीजिए आपके घर में अगर आप हैं, आपकी वालिदा हैं, वालिद हैं, आपके भाई हैं, आपकी बहन है, एक भाई एक बहन, वालिद वालिदा, और आप पांच लोग हैं, हर आदमी ये होमवर्क शुरू कर दे, हर एक के जरिए से आपने पांच आयात सीख लिए एक दिन में माशाल्लाह। खास तौर पे मेरे जो नौजवान में यहां पे भाई और बहनें बैठी हैं, जो कॉलेजेस को जा रहे हैं आज, जिसको अल्लाह ने इल्म आसान किया है, आप लोग तो इस किताब से जुड़ना ही जुड़ना है। मेरे जो बड़े हैं इंशाल्लाह मैं उनसे गुजारिश करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी जुड़े, लेकिन जो नौजवान मेरे भाई बहन कॉलेजेस को जाते हैं 100% इस किताब से जुड़ना है। क्यों मालूम है आपको, अल्लाह का वादा है तुम इस किताब से जुड़ जाओ, मैं तुम लोगों को लीडर्स बनाऊंगा, दूसरे तुमको फॉलो करेंगे, क्योंकि आप लोग इस किताब को छोड़ के अपने कॉलेजों को जाते हैं, आप आवारा किस्म के लोगों को फॉलो करने की पूरी जिंदगी भर दौड़ भाग करते हैं। इसको पकड़ लो इंशाल्लाह, पकड़ेंगे ना इंशाल्लाह। अच्छा।